अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पार्ट 3 ऑफ आर ट्रैवल व्लॉग। आज का प्लान हमारा अलतत फोर्ट और करीमाबाद जाने का था। हम अलतत फोर्ट पहुंच चुके थे, उसके रास्ते में ये ज्वेलरी शॉप्स थी, तो हमने यहाँ से कुछ चीज़ें ली एंड देन वी कंटिन्यू आवर जर्नी टूवर्ड्स अलतत फोर्ट। हमने कुछ खाया हुआ नहीं था तो हम अलतत फोर्ट के रास्ते में इस रेस्टोरेंट पर रुके एंड वी ऑर्डर आवर फूड, और यहाँ का खाना काफ़ी अच्छा था। सो इफ़ यू गाइज आर गोइंग टू अलतत फोर्ट तो आप यहाँ का खाना ट्राई कर सकते हैं। वी ऑल आर ज्वेलरी लवर्स, तो हमने जितनी रास्ते में ज्वेलरी शॉप्स आई हमने तकरीबन सब ज्वेलरी शॉप से पे रुक के वहाँ की चीज़ें देखी। अलतत और अलतत फोर्ट के दोनों के रास्ते में काफ़ी शॉप्स आती हैं ज्वेलरी की एंड ड्राई फ्रूट्स की, और यहाँ पे हम अलतत फोर्ट के बाहर पहुँच चुके थे। अलतत और अलतत फोर्ट दोनों फोर्ट्स में जाने के लिए टिकट्स हैं, तो हम यहाँ टिकट्स ले रहे थे। अलतत फोर्ट जो है वो नीचे है और जो अलतत फोर्ट है वो थोड़ा ऊपर है। दोनों के व्यूज़ बहुत 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 खूबसूरत हैं। अलतत और अलतत दोनों फोर्ट्स के जो टिकट्स के प्राइस हैं वो 600 रुपीज़ ईच है। फोर्ट्स में जाने के लिए आपको साथ एक गाइड होता है आपके। यहाँ पे इस फोर्ट तक जाने के लिए 150 स्टेयर्स थी, लाइक ऑल ओवर जितनी भी अंदर और वो सब मिला के, और हमें यहाँ पे भी हमारे साथ एक गाइड थे जिन्होंने हमें प्रॉपर ये गाइड किया अलतत फोर्ट, क्योंकि हम लोग पहले अलतत फोर्ट देख चुके हैं। तो अलतत फोर्ट एंड अलतत फोर्ट ऑलमोस्ट सेम ही है, बस अलतत फोर्ट थोड़ा छोटा है एंड अलतत फोर्ट इज़ बिगर। ये वो एरिया है जहाँ पे शहजादे ने एक इनके गद्दारी की थी तो उसे दरबार में चुनवा दिया गया था। मुझे प्रॉपर जिसमें ड्राई सब्जी रखते थे, आपके पंजाब में सिंध में सारा साल सब्जियां उगाई जा सकती हैं, हमारे यहाँ मुमकिन।
मेरे पास बलतेज फोर्ट के कुछ क्लिप्स थे लास्ट ट्रिप के, तो मैंने वो भी ऐड कर दिया ताकि आपने बलतेज फोर्ट नहीं देखा तो आप बलतेज के साथ बलतेज फोर्ट भी देख लें इस वीडियो में। उसके बाद हम गए मेरी फेवरेट जगह पे, अद्वैत गार्डन और क्वाइल गार्डन। बहुत खूबसूरत जगह, ब्रेथ टेकिंग व्यू और डेफिनेटली वर्थ इट। पे भी एक कैफ़े था, मुझे उसका एग्जैक्ट नाम नहीं याद, बट वो भी लेडीज़ ही रन कर रही थी और बहुत पीसफुल जगह थी। हमने पिक्चर्स लीं, कुछ देर बैठे। देन हम कैफ़े दी हुंजा गए, वहाँ का क्वालनट केक काफ़ी मशहूर है, सो वी थॉट व्हाई नॉट टू गिव इट अ ट्राई। काफ़ी डिफरेंट टेस्ट था इस वॉलनट केक का, थोड़ा सा इसकी जो साइज़ है वो हार्ड थी, नॉर्मल केक की तरह सॉफ्ट नहीं थी, बट इट टेस्ट सो सो गुड। जाने से पहले हम अपने फेवरेट कैफ़े दोबारा गए, बच्चों को वहाँ से डम्पलिंग्स खाने थे और हमने अरजूक दोबारा ट्राई किया। लाहौर की एक फ़ोटोग्राफ़र हैं, उन्होंने एक अभी कुछ मंथ्स पहले वो हुंजा गई थी और उन्होंने एक ओल्ड लेडी की पिक्चर पोस्ट की थी और मैं उस जगह को जानती थी तो मैं उनसे मिलना चाहती थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो उस जगह पे नहीं थी, उन्हें वहाँ तक आते आते काफ़ी टाइम लग जाता और हमारे पास इतना टाइम नहीं था। तो हमने, ये है वो लेडी, और हमने उनके ग्रैंडसन से इंटरव्यू किया, बहुत फन और इंफॉर्मेटिव। आपकी दादी की एज क्या है? 88 इयर्स। दोबारा से पूछते सर। हम एडिटिंग कर लेंगे। अब और क्या पूछना? और वो शुरू से यहीं पर हुंजा में रह रही हैं? जी जनाब, 88 से। जी सर। उनके बच्चे वगैरह? बच्चे तो मेरे वालिद साहब है और उनके भाई है जनाब। कितने बच्चे हैं? दो बेटे और एक उनकी बेटी है। अच्छा। मैं उनका पोता हूँ। अच्छा, पोते हैं। सारे इधर ही रहते हैं हुंजा में? सारे इधर ही जनाब। और उनके हस्बैंड जनाब, जब मेरे वालिद साहब 7 साल के थे उनकी वफात हो गई थी। अच्छा, कैसे? जी जनाब, बस वो थोड़े से बीमार से हो गए थे। ठीक है। उस टाइम फिर यहाँ पे मेडिसिन का इतना ज़्यादा वो भी नहीं था। आपकी जो नस्ल है वो कितना इधर पुरानी है? हमारी नस्ल जनाब, इसका यहाँ पे जब बादशाह थी, स्टेट था, उस वक्त हमारे कुछ दादा जनाब वजीर भी गुजरे हुए हैं। अच्छा, और तकरीबन कितने सौ साल? 500-600 से अबोव है सर। काफी पुरानी है जनाब हमारी नस्ल। और यहाँ पर हुंजा में जो सबसे पुरानी जनरेशन है, नस्ल है, वो कौन है? बस ये समझ ले कि ये बादशाहों की है, क्योंकि बादशाह जनाब एक फैमिली से दूसरे मेंबर में ट्रांसफर होती थी, उसी हिसाब से। तो आप लोगों का कास्ट सिस्टम भी है? कास्ट सिस्टम नहीं है मैम,
ये अच्छी बात है कि हमारे यहाँ पे हमजा में कास्ट सिस्टम नहीं है, नहीं तो हम सारे लड़े होते, नहीं अच्छा नहीं होता। उसके बाद हम होटल पहुँचे और हमने रेस्ट किया क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोगों को नारायण के लिए निकलना था। हमारे रूम से व्यू काफ़ी खूबसूरत था। हम जहाँ रुके हुए थे हमजा में, हमने वहाँ पे एक स्वीट बुक किया हुआ था जिसमें टू रूम्स थे और बीच में छोटा सा टीवी लाउंज था। ये हुंजा से निकल के हमारा फर्स्ट डे राघापोशी व्यू पॉइंट था, वहाँ पे हमने नाश्ता किया। ये वाले हैं कराकरम रेंज, हाँ जो गिलगित और हुंजा वो वाला सारा एरिया है वो कराकरम है। ये हिमालय, ये कुछ पीछे फिर हमें 4 घंटे का स्टे करना पड़ा क्योंकि आगे पहले लैंड स्लाइडिंग हुई हुई थी और एरिया क्लियर कर रहे थे। और आफ्टर 4 आवर्स हम इस रेस्टोरेंट पहुँचे और हमने रात का खाना खाया। देन वी रीच नारायण और हम सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग हमने नाश्ता किया एंड देन वी लीव फॉर फैसलाबाद। दिस वॉज द व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया हो। इफ़ यू डिड गिव इट अ बिग थम्स अप, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।